हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सईदा। सो आज हमारा नोखा में पहला दिन है। दिन की शुरुआत आज तो ठीक है, ठीक ठाक। काफ़ी धूप थी नोखा में, मतलब धूप है नोखा में। सुबह का टाइम तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ही ज़्यादा। ऐसा लग रहा था नैली गुड़गांव से ज़्यादा हमारे गाँव में ठंड है, बट मज़ा आ रहा है। अब तो काफ़ी अच्छी खासी धूप निकल गई है, तो मम्मी और आने वाले हैं ख्वाहिश के साथ। फिर आज दीदी लोगों से सबसे मिलूंगी, तो वो लोग बोल रहे इतनी ठंड है तो टेंशन मत ले, हम आ जाएंगे। तो धीरे धीरे सब आ रहे हैं। हेमंत, नानी आने वाली है, एक्साइटेड? फ़ोन कर लिया हेमंत अपनी नानी को? 4 से 5 बार फ़ोन कर रहे हैं सुबह से। तो थोड़े बहुत कपड़े वपड़े भी धोने हैं, बहुत सारा काम है, बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। बट उसके पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि बैक टू बैक बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। और मैं आपको यहाँ का मेरा फुल डे का रूटीन दिखाऊंगी, मैं क्या करती हूँ, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें। तो खूब सारा प्यार देना, और जैसे ही मम्मी आती है तो आप लोगों से ज़रूर मिलाती हूँ मैं। कौन है? कौन है? ओ, बड़ी बुई की लाडली। किसने बोला तू बड़ी बुई की लाडली है? क्या कर रही है ख्वाहिशा? पुच्ची कर ली हूं। किसको कर ली है पुच्ची? बदी हूं। ये कौन है यहाँ पे? बदी भाई के कौन है? बाबू है क्या? बाबू को कर ली है क्या? भाई ये बड़ी दीदी बनने वाली है, इसलिए बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पे हम सब बातें कर रहे हैं। और हेमंत का तो अपना अलग है, वो अपने माँ की सेवा में देख फोन चलाते हुए भी AFK बैठा हुआ हूँ, AFK है ना। और यहाँ पे बस मेरे पैर दबा रहा है मस्त गेम देखते हुए। और यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड है। चलेंगे पक्का। पानी पूरी खानी है क्योंकि बातें अलग हो रही है। हाँ, खिला देंगे भाई, लालू बिना लालू बिना लालू। और क्या खाना है बोलो? सच्ची है कि बनी हुई? सॉरी बना दो मेरा अच्छा। चलो ठीक है, चलेंगे हम तो, फिक्स है मेरा। मेरे पास लाई हुई है पानी पूरी। अब इनके इतने सारे पानी पूरी के हुए हो रहे हैं, कुछ अलग अलग डिस्कशन हो रही है जो नानी ने और मामी ने घर पे बनाया है इसके लिए। पानी पूरी ये लोग खाएंगे, मुझे तो ज्यादा पसंद नहीं है। और ख्वाहिश को भी ज्यादा पानी पूरी नहीं पसंद है, पसंद है इसका, दोनों का फेवरेट है। घर पे तो मम्मी आई हुई है, तो हम लोग सब यहाँ पे बातें कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है बाहर। जितना मसाला मम्मी ने मना किया है तू मत आ, मैं आ जाऊंगी, तो यहाँ पे मम्मी बातें कर रही है हम लोग। तब हम यहाँ पे कुछ देर बातें करेंगे। सो गाइस, आज आपको मैं दिखाऊंगा कि नानी क्या कर रही है। इतनी बड़ी हो गई माँ, तो भी अब नानी के हाथों से खा रही है। मेरा तो चलता है, मैं छोटा हूँ, है ना। सो ये रही, कुछ नहीं बड़े हो नहीं नहीं और ये लाली मेरी कॉपी करते हुए नानी। वैसे आज खाने में क्या है इन्हें बताओ तो? मिक्स वेजिटेबल, रोटी और दही। देखो माँ, मेरी हेल्दी चीजें खाती है माँ, और हमारा पूरा घर है ना माँ, इस टाइम से हेल्दी खाना खाना चाहिए ना। हाँ चलो ठीक है गाइस, हम मिलते हैं बाद में। बाय। माँ जब पास होती है ना तो बस एक अलग ही फील होता है। तो यहाँ पे जब मम्मी को पता था कि भाई मेरी बहुत ज़्यादा बैक पेन होती है, तो मम्मी बोली ला आज मैं तेरी मालिश कर देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी ने बहुत देर तक मालिश की। तो यहाँ पे मैं अब कुछ देर मम्मी के गोद में सो रही हूँ। मम्मी ने मेरा बहुत अच्छा सा हेड मसाज किया, खिला रही है। बताओ, हेमंत को तो नानी खिला रही है और उसको देखो वो बोल रही है हेमू भैया आ जाओ मैं खिला देती हूँ संतरा। मुंह धो के अब क्या ही बोलूं मैं, दूर रह प्लीज। नहीं नहीं भाई ऐसे मत कर रहे हो, बहुत भारी है। मुंह भी अजी दवे था मत। अरे थूके यार। अरे छोटी बच्ची है यार, ठीक से खा ले बेटा, ठीक से खा ले, ठीक से खा ले। ये लोग अपने यहाँ पे ऑरेंज खा रहे हैं, मैंने ऑरेंज जूस पी लिया। पता नहीं क्यों मेरा आज बहुत ज्यादा बैक में पेन हो रहा है। तो अब यहाँ पे हम कुछ देर रखेंगे, मम्मी जाएगी फिर अम्मा ये लोग आएंगे। हेमंत एक मिनट वॉइस कम करो ना। अब यहाँ पे मम्मी अब जाने वाली है, अम्मा ये लोग आने वाले हैं, तो सब ऐसे ही प्यार करते हैं, है ना मम्मी। ये देखो 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 देखो, वो तो मेरा प्यारा दोइता है। ओ मम्मी खा जो
सुबह से बोल रहे नानी के घर जाऊंगा, नानी के घर जाऊंगा, नानी के घर जाऊंगा। प्यारा है, प्यारा चलेगा जी। तो मम्मी चली गई है और अब अम्मा आने वाली है, तो अम्मा आएगी क्योंकि हमको बहुत सारी तैयारियां करनी है, बहुत कुछ डिस्कशन करना है, बहुत सारी बुकिंग्स करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें तैयार हैं। दीदी लोग सब आ रहे हैं क्योंकि मंजू दीदी जैसे हमारे साथ ही आई थी, तो संगीता दीदी भी आ गई हैं, सारे बच्चे आ गए हैं। और यहाँ पे क्या सर्दी है यार, हम तो सारे दरवाजे, सारा गेट, सब कुछ बंद रखते हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा। दोपहर को थोड़ा सा धूप निकला था, थोड़ा सा वेदर ठीक ठाक था, जैसे ही शाम होने लगे ना इतनी ज़्यादा ठंड है, तो हम लोगों ने फिर सारा दरवाज़ा बंद कर लिया। बस अम्मा ये लोग आ रहे हैं, फिर वो लोग शाम को यहीं रुकेंगे, खाना वाना खाएंगे, हम लोग मस्ती करेंगे। तो सारी अपडेट्स आप लोगों के साथ देती रहूँगी, बने रहना आगे तक व्लॉग में। तो अम्मा आ गई है, चलो चलते हैं। तो यहाँ पे मम्मी गई, फिर अम्मा आई है, संगीता दीदी, मंजू दीदी, सारे बच्चे, सब कोई आ गए। तो हम यहाँ पे हर छोटी छोटी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं कि इस दिन में ये करने वाले हैं, इस दिन में ये होगा, कैसे क्या करें। मतलब होता है ना, सारी फैमिली जब बैठती है, हर चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करती हैं, तो उसमें ना मज़ा ही अलग आता है। फिर हम पुरानी कुछ बातें याद कर रहे हैं, और ये बच्चे, ये भगवान, कोई किसी के साथ मस्ती कर रहा है, कोई किसी के साथ, हेमंत का टिन्नी के साथ जमता है, और राम और परसी एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। तो यहाँ पे ऐसे अच्छा लगता है ना, बच्चों से भी घर भरा रहता है। और इन सब की पता है, हेमंत को छोड़ के तीनों की ना मैं नानी हूँ और हेमंत मामा है। तो आज मंजू दीदी ने बोला था आप यहाँ पे रेस्ट करो, आप किचन में नहीं आओगे। वैसे भी मेरे ससुराल में ना मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं सब कोई, तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ। और चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ किचन में, वहाँ पर हेमंत आपको बताएगा। मंजू दीदी, ओ मंजू दीदी, आप क्या कर रहे हो? हम इधर हैं, क्या कर रहे हो? मैं सूजी का घोल बना रही हूँ। बट क्या बनाओगे? ये तो चिलड़े बनाऊंगी। चिलड़े भी कोई खाने की चीज होती है? चिलड़े भी कोई खाने की चीज होती है? ये जो मुड़ी आपको दिख रही है ना, जाजपुर से आई है, उड़ीसा से, जो कि मेरी ओन सबसे छोटी बुआ है, उसने बना के भेजा था। वो मेरी बहुत ही क्लोज वन है, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड भी मान लो, बहुत सारी चीज़ें हम शेयर कर दी हैं। तो उसको जैसे ही पता चला ना कि मुझे ये वाली मुड़ी पसंद है, तो उसने खुद अपने हाथों से बना के दी। फिर हम तीनों ने यहाँ पर ना धनिया पत्ती चूटे थे, मैंने बोला लो बैठ बैठ के कोई काम हो तो मुझे बता दो। तो ऐसे अच्छा लगता है, पूरी फैमिली सब मिल बांट के कोई काम करते हैं। तो दीदी यहाँ पर लेके आ गई थी, मैं यहीं पर बैठे बैठे इन लोगों के साथ धनिया भी चुटा रही थी। और अच्छा भी लगता है ना, सर्दियों के टाइम में धनिया पत्ते की चटनी हो। और यहाँ पे मेरे छोटे वाले नंदोई जी और अमित भी ये लोग आ गए थे। अब यहाँ पे ये लोग लिस्ट बना रहे थे, कौन किसको बुलाना है, कौन सा क्या करना है, मेन्यू क्या डिसाइड करना है। घर में ना कोई भी फंक्शन हो, ये छोटे वाले नंदोई जी को बिना पूछे कुछ भी नहीं होता। तो मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर से बातें कर रहे हैं, और यहाँ दीदी देखो कितनी मेहनत कर रही है, ये देखो ये बना रही है चीलड़े, वो भी दाल, वो किसके, सूजी और बेसन के, और सारे वेजिटेबल्स डाल के। यहाँ पे ये दो अलग अलग इसलिए हैं, ये बिना प्याज का है, ये प्याज का है, और वो फिर एक्स्ट्रा में है क्योंकि और आने वाले हैं। और उसमें हो रहा है शकरकंदी। ये दीदी को ना तो ससुराल में आराम मिलता है, ना हम पियर वाले आराम देते हैं। ससुराल ठोक कर काम ही करो, आपके घर तो, अपने घर तो काम करना ही पड़ता है ना यार। तो ये आ गई है दीदी भी, जी जी प्रणाम करो, खुश रहो, खुश रहो, अम्मा प्रणाम करो, काका जी प्रणाम करो, जीजू प्रणाम करो, सबको ही बैठ चुके थे ना। तो धीरे धीरे एक एक को बुला रहे हैं, कभी टेंट वाले भैया आएंगे, इसके आगे वाले ब्लॉग में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हाँ जी, तो अब मैं आप लोगों को डेट रिवील कर देती हूँ, है ना। मुझे पता है आप सबको डेट का बहुत ज़्यादा है कि डेट क्या होगी, कब क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि 15 और 16 को है मेरे कान्हा जी का बर्थडे। हाँ जी बिल्कुल सही है, 15 को है कान्हा जी का बर्थडे और 16 को है मेरे हेमंत का 10th बर्थडे। तो हमने यही सोचा है कि 15 को कान्हा जी का बर्थडे होगा, 16 को मॉर्निंग में बेबी शावर होगा, और इवनिंग में हेमंत का बर्थडे। तो ये सारे फंक्शंस होंगे। और हाँ, हम कान्हा जी के बर्थडे को बहुत स्पेशल करने वाले हैं, बट वो क्या करेंगे वो हम आगे आपसे हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ मैं आपको बताती रहूँगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी ब्लॉग स्किप करो, कुछ भी स्किप करो, ऐसा कुछ मत करना। बराबर सारे व्लॉग्स देखना, बराबर सारों में अपडेट रहेगी, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। और जो
16 तारीख है ना वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है बहुत, क्योंकि मेरा हेमंत जो है वो 16 जनवरी को 10 साल का हो जाएगा। तो मुझे लगा ना कि यार इससे बेहतर दिन मेरी लाइफ में और क्या हो सकता है बेबी शावर के लिए, है ना। और 7th मंथ भी चलेगा मेरे को, तो सारी चीज़ें परफेक्टली हो रही थी। तो मैंने और जेठू जी ने और हमारी पूरी फैमिली ने मिलकर 16 तारीख की जो डेट है वो बेबी शावर की फाइनल की है। हाँ जी बिल्कुल, और बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक यहाँ है और एक मेरा बेटा 10 साल का होने वाला है। मैं बहुत खूब सारी ब्लेसिंग देना आप लोग हेमंत को भी, मेरी जान है, धड़कन है, दिल है, दिमाग है, प्यार है, सब कुछ है। और जो भी आगे जैसे भी तैयारियाँ होंगी सारी चीज़ें बताएंगे। और हाँ, कान्हा जी का भी ये 4th बर्थडे है, हाँ ये 4th बर्थडे है, तो हम लोगों ने क्या कर रहे हैं कि हर बर्थडे उनका कुछ ना कुछ स्पेशल कर रहे हैं। और जो कान्हा जी का जिस दिन आए थे उस दिन बहुत बड़ा करके उनको हमने वेलकम किया था, पूजा वूजा 2 दिन तक उनकी पूजा वूजा चली थी। और उसके बाद जो फर्स्ट बर्थडे आया तो हम लोग द्वारका पूरी ट्रिप लेके गए थे पूरी फैमिली को, जो भी मेरी फैमिली है पूरी 60-70 लोग थे हम। बाई रोड हम पूरा द्वारका सोमनाथ उधर की ट्रिप की थी हमने 15 डेज की। फिर सेकंड बर्थडे था, फिर हम कोई मंदिर गए थे, फिर 3rd बर्थडे यहाँ घर पे बहुत बड़ा करके पूजा किया था हमने, और जो ये 4th बर्थडे है, 4th बर्थडे बहुत 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 स्पेशल होने वाला है। हमने बहुत कुछ सोच रखा है कान्हा जी के बर्थडे को लेके, क्योंकि कान्हा जी भी तो मेरा बेटा है ना, मेरे दोनों बेटे के बर्थडे 15 और 16 को आते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि यही दिन मेरा बेबी शावर का रखूँगी। 15 को इवनिंग में कान्हा जी का बर्थडे सेलिब्रेशन होगा, 16 को मॉर्निंग में बेबी शावर और 16 को इवनिंग में हेमंत का बर्थडे। तो ये होंगे फंक्शंस, डेट मैंने आप लोगों को फाइनली बता दी है। अब आगे जो कलर्स होंगे, क्या थीम होगा, क्या कौन आएगा कौन नहीं आएगा, सारी अपडेट्स आप लोगों को दी जाएगी, कुछ अलग ही सोचा हुआ है। और हाँ, ये जो फंक्शन है ये डेफिनेटली फैमिली फ्रेंड्स मिक्सअप है, तो जो भी मेरे क्लोज वंस हैं मैं ये चाहती हूँ वो सब कोई आए और हम सबको ब्लेसिंग्स दे, मुझे, मेरी छोटी बेबी को, मेरे हेमंत को, मेरे कान्हा जी को, सबको। तो बहुत बहुत स्पेशल हूँ, तो उसके लिए जो तैयारियाँ हैं वो बहुत ही बारीकी से करनी है मुझे, है ना, हर छोटी छोटी चीज़, क्योंकि कान्हा जी का बर्थडे वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मेरा बेबी शावर वो भी बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मेरा हेमंत का बर्थडे वो और मच मोर ज़्यादा स्पेशल है। तो हर जो फंक्शन होगा उसके लिए हर छोटी छोटी चीज़ को डीपली वो करेंगे हम, फिनिशिंग से किसको क्या करना है, क्योंकि इस बार प्रॉपरली फैमिली भी इन्वॉल्व हैं पूरे इवेंट में, पूरे फंक्शन में। तो यही है कि फैमिली और फ्रेंड्स को बराबर में रखना, सबको बुलाना, सबको एंजॉय करना। मेरे इस बार सारे फ्रेंड्स मेरी फैमिली से मिलने वाले हैं और मेरी पूरी फैमिली मेरे फ्रेंड ग्रुप से मिलने वाली है, तो मैं थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, थोड़ी सी एक्साइटेड भी हूँ। बस आई विश कि सारी चीज़ें अच्छे से जाए, खूब सारा प्यार मिले। और मैं आपको बता दूँ, थोड़ी सी सीक्रेट खोल रही हूँ, जो बेबी शावर है वो बहुत यूनिक होने वाला है, बहुत यूनिक है ना, बहुत कुछ अलग से देखने को मिलेगा आप लोगों को। बट आगे आगे आप लोगों को बनना देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर। और हाँ, ब्लॉग कभी भी किसी भी टाइम आ सकता है, क्योंकि मुझे ही एडिट करना है, मुझे ही शूट करना है, तो जितना हो पाएगा उतना ही मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगी। ज़्यादा कुछ तो मैं क्या ही बताऊँ, नहीं कर पा रही हूँ, बट कोशिश करती हूँ कि जितना भी हो अच्छे से हो जाए। और आपने देखा आज मम्मी भी आई, सब कोई आए थे, तो मम्मी के साथ भी हमने बहुत कुछ डिस्कशन किया था, मम्मी ये कर रही हूँ, ये चीज़ होना चाहिए, मम्मी ये कर रही हूँ, मम्मी ऐसा होना चाहिए, तो मम्मी भी अपनी सारी जो राय थी वो दे दी। फिर मम्मी घर चली गई क्योंकि मेरी भाभी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर दीदी लोग आ गए तो उनके साथ भी हो गया। धीरे धीरे सब कोई आ रहे हैं, तो सबको मज़ा भी आ रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे ही आगे आप लोगों को, अब जो आगे की तैयारी है, अब आने वाले हैं जो खाना बनाने वाले भैया हैं वो, और टेंट वाले भैया, जो पूरे वेन्यू वाले जो है डेकोरेशन वाले वो आए हुए हैं, उनसे हम डिस्कस कर रहे हैं। फिर डीजे वाले का अलग करना है, अभी डेकोरेशन वाले का अलग करना है, ये टेंट वाले भैया हैं। तो मतलब बहुत सारी तैयारियां अभी बाकी हैं, बट आगे आगे सारी चीज़ें होंगी। और इसके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में ज़रूर देखना, बहुत कुछ मैं उसमें भी आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, खूब सारा प्यार देना, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, नए दिन नई शुरुआत के साथ। बाय बाय। ये ब्लॉग एंड नहीं है, इसको कंटिन्यू करी हूँ, क्योंकि इसका भी आगे का पार्टी में आगे अब शूट करने वाली हूँ, नहीं तो बहुत लंबा चला जाएगा, है ना।